गुना में एक कंटेनर और बस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कंटेनर में सवार 8 मजदूरों की मौत हो गई और बस में सवार करीब 50 यात्री घायल हो गए। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश अपने घर जा रहे थे। यह भी बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने इनसे 3,000 रुपए भी लिए थे। यह हादसा देर रात पे हुआ। हादसा भयानक था कि कंटेनर में बैठे 8 मजदूरों की जान चली गई, जबकि बस में सवार 50 लोग घायल हो गए। ये महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश अपने घर जा रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। एएसपी टीएस बघेल ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए बताया कि यह सभी मजदूर महाराष्ट्र के मुंबई से आए थे और उत्तर प्रदेश में रायबरेली व उन्नाव स्थित अपने घर जा रहे थे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे मजदूर मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। इस दौरान मजदूरों के सड़क हादसों में जान गंवाने की लगातार खबरें आ रही हैं। आज एक दुखद हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो गुना में 7 लोग, उसमें से उनका दुखद निधन हो गया है। कुछ लोग घायल भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2,00,000 रुपए का उनको मुआवजा और 50,000 रुपया। अभी वर्तमान में हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं, उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है। हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।